श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वीडियो बहुत ही एक यूनिक क्या बोल रहे हैं हम, लेकिन एक अजीब सी वीडियो होने वाली है कि वीडियो का टाइटल है सियालकोट वाक्य। सियालकोट कोई जगह है मेरे ख्याल से या कुछ है, मैं नहीं पता है। इंसिडेंट हुआ है ना, कोई कुछ डॉक्टर सुलेमान मिसबाई जी की वीडियो होने वाली है। बहुत अमेजिंग मोटिवेशन देते हैं भाई सुलेमान मिसबाई जी। इमोशनल बयान गाइस, इमोशनल बयान होने वाला है इनका। लेट्स सी कि ऐसा चीज क्या हुई होगी। हां सियालकोट, अब ये नहीं पता कोई जगह है। सियालकोट सुना है। बट गाइस, वीडियो को प्ले करने से पहले हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक तो जरूर करना है। हमारे 1 मिलियन होंगे इस चैनल पे कभी? मेरे दिमाग में ये चीज आई नहीं, 100 वाली आई थी, 1 मिलियन वाली आई नहीं है भाई। जिस हिसाब से स्पीड है ना, बहुत ही कर ये हमारा सियालकोट ये जो मामला हुआ, ठीक है, एक शर्मनाक वाक्य था। यूनुस अलैहि सलाम ने अपने सहाबा को भेजा, फरमाया कोई सरसब्ज दरख्त न काटना, किसी औरत पे तलवार न उठाना, किसी बच्चे पे तलवार न उठाना, किसी निहत्ते पे तलवार न उठाना, किसी औरत पे तलवार न उठाना, यहाँ तक का कि कलीसा में बैठे किसी राहिब पे तलवार न उठाना। इतना मारा गया जी उसको, उसके वजूद की एक हड्डी भी सलामत नहीं रही है। जिन्हें कह रहे हैं चकना चूर हो जाना, उसकी एक हड्डी भी सलामत नहीं रही है। ऊपर फिर हमने क्या किया, ये तेल डाल के ना हमने फिर इसको आग लगा दी। इसकी इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता। लाश को मसा करना, लाश का मुसला करना मना करता है इस्लाम, मना करता है इस्लाम किसी को जलाने से। अगर हमारी अपनी जरा करतूतियां मैं आपको लगूं सुनाने, हमारी अपनी करतूत पीर साहब भी बैठे हैं सियालकोट से, चिश्ती साहब भी बैठे हैं सियालकोट से। हमारे सियालकोट में एक बड़ी मरूफ बर्फी की दुकान है, बड़ी मरूफ बर्फी की शाही दुकान, उसका नाम है गुलाम मसूद। 38 साल मेरी उम्र हो गई है, सारा सियालकोट उसको सूला बुलाते हैं। हम पे फिर क्या फतवा देंगे? क्यों जी, किसी साल सूला नहीं कहना सारा सियालकोट, फिर हम पे क्या फतवा देंगे? सियालकोट वाले सारे गोली मार देनी चाहिए। बोलो ना यार, तो अपनी बारी आती फिर भी फिर हो जाएंगे सारे। बोलो जी मुझे, गुलाम रसूल को अगर सूला बुलाया जाए, रसूल को बिगाड़ के सूला बुलाया जाए, क्या फतवा आएगा हम पे? कुछ नहीं करना, बहुत हमने एक दूसरे पे सबे दे होश की बात करी, ठीक है, उसको आपने मार दिया तो आपके ख्याल में आपको कोई नहीं पूछेगा। सरकार दिन आना है, सबको वो पूछेगा, बताओ क्यों तुमने रसूल को सूला बुलाया? मेरा पीर साहब सबका चाचा है, फतेहगढ़ जाके भाई खुला चैनल है, जाके फतेहगढ़ में पूछ लेना किसी से, फतेहगढ़ मुसलमानों का कब्रस्तान बिल्कुल सामने गली है। मेरा सगा चाचा है दरजी, उनका नाम मोहम्मद हुसैन है। मेरे वाले साहब कई बार मुझे कहते थे जा चाचा से नहीं बुला कर ले, हम पे फिर क्या फतवा लगे? आप अक्सर मेरी मस्जिद में जुमा पढ़ने आते होते थे, मेरी मस्जिद के बिल्कुल सामने कसाई की दुकान है, उसका नाम है अब्दुल खालिक, सारा शाह पूरा उसको खालो कह के बुलाता, क्या फसवा देंगे? मेरी मस्जिद का मुक्तदी है मलक अब्दुल रजाक, उसका नाम है, सारा सियालकोट उसको जाका कह के बुलाता है, क्या फतवा देंगे उसको? क्या हम उस्मान को बिगाड़ के शामी नहीं बुलाते? क्या हम नुमान को बिगाड़ के नोमी नहीं बुलाते? क्या अगर हमारे मोहल्ले में किसी का नाम गुलाम मोहम्मद हो तो हम उसको बिगाड़ के गामा नहीं कहते? तो फिर हम पे क्या फतवा लगेगा? अपने हालात है, ठीक है जी। मैं आपको एक और बात पूछ रहा हूँ, उसको आपने मार दिया, उसको आपने मार दिया, आपने अब भी क्लिप मौजूद है उन लड़कों का जिन्होंने मारा उसको, वो क्या कहता है? कहता जी एक स्टीकर था जिस पे लगा हुआ दिखा हुआ था लबई या हुसैन, इसने उसको उतार के कूड़े वाली टोकरी में फेंका, मैंने इसको मार दिया, ठीक है। अब मैं इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो दो तीन चीजें आपसे पूछूंगा। एक बड़ा मारूफ ब्रांड है जी, गुल अहमद, गुल अहमद, ठीक है, ये है ना गुल अहमद, उसने क्या फाड़ के फेंका लबई या हुसैन? हुसैन क्या है? आप नवासे हैं, इमाम हुसैन को जितनी शान मिली है रसूलुल्लाह अलैहि सलातो सलाम की वजह से मिली है। वो कहते हैं इसने या हुसैन का स्टीकर उतार के कूड़े में फेंका, मैंने इसको मार दिया। आप जब गुल अहमद का सूट खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर जो गुल अहमद लिखा होता है उसको उतार
उखाड़ के कहां फेंकते हैं? बोलो जी, साढ़े कड़ा खत्म होना चाहिए। हमारे सियालकोट में बड़ी मारूफ दुकान है, सियालकोट में भी है, डस्के में भी है, गुजरांवाला से ये चली है, सुलेमान स्वीट्स। वत्तबाउ माता तुम शयातीन वाला मुल्क सुलेमान वमा कफरा सुलेमान वाला किन शयातीन कफरू युअल्लिमून नास से इन्नहु सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन नबी है, हुसैन गैर नबी है, सुलेमान नबी है, अल्लाह के नबी है, बल्कि नबी इब्न नबी है। डब्बे के ऊपर लिखा हुआ सुलेमान। आज सुलेमान फील्ड से ली हुई बेकरी खा के डिब्बा कहां फेंकते हो? साढ़े ना की होना चाहिए, बोलो जी। बहुत ही कर गाइस, ये था वो वाक्या, कोई सियालकोट वाला वाक्या था, लेकिन हमने जितने भी वाक्या सुने हैं ना सुलेमान मिसबाही जी के, तो सारे के सारे वाक्य इतनी शांत, हाँ शांत, नहीं चीज देखा शांत और बिल्कुल उसके साथ सुनाते थे, पीस एकदम शांत शरीफी टाइप में ना, मतलब थोड़ा ऐसे इनका नेचर था। पहली बार हमने इनको इस नेचर में देखा है, इस अग्रेसिव मोड में देखा है, तो हमें बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब है ना, क्योंकि ऐसे होता है जिस इंसान को हमने देखा होता है हंसते मुस्कुराते, वो इंसान ऐसे करता है, समझ होता है ना, तो इंसिडेंट था, इंसिडेंट था, मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को ये चीज महसूस हो रही थी कि ये कह रहे थे कि मतलब कि जैसे नेम्स है हमारे प्रोफेट्स के, तो उनको मतलब कि ऐसे आप यूज करते हो, नीचे फेंक देते हो, उनके नाम के स्टिकर हो या कहीं हो कुछ, मेरे को ये चीज समझ आई, बाकी पूरा समझ नहीं आया कि किस बात से ये गुस्सा हुआ। और गुस्सा इस बात से हुआ जिन्होंने कुछ पूछा लेकिन कहीं से जवाब नहीं आया, तो देन ये उठ के चले गए, है ना, कुछ है ना ये। तो बाकी आप बताना भाई पूरी वाक्य के बारे में, क्या हुआ था, क्या रीजन था ये गुस्सा होकर चले गए थे वहां से, सो फिर आगे आगे बात बढ़ी, ये क्या हुआ तो जरूर बताना हमें। तो और कुछ होगा इसका पार्ट से, कुछ और वीडियो होगी तो हम वो भी देखेंगे। सो बाकी तो ये थी वीडियो, और गाइज वीडियो सजेस्ट करते रहें, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, कमेंट्स करते रहें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे बहुत रेयर मैसेज आते हैं, मैसेज करो साथ में लिंक दे दिया करो। एंड दूसरी बात रही कि व्लॉग वाले चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो देखा करो, नेहा कैसे कैसे पक पक करती है, कैसे कैसे बहस करती है, वो चीज़ जरूर देखा करो। सो बाकी तो यही था इस वीडियो में गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।